तो क्या है लिक्विड कूलिंग और ये कैसे काम करता है, तो यही जानने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में और आपके दिमाग में एक सवाल आया ही होगा कि लिक्विड कूलिंग आखिर है क्या और एक काम कैसे करता है। जी हाँ दोस्तों, लिक्विड कूलिंग ये कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे पहले इसे कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य चीज़ों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि आप ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं, ट्रक्स, कार्स, बाइक्स, बस, उसके अंदर रेडिएटर का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, रेडिएटर का उसके अंदर क्यों इस्तेमाल होता है कि इंजन में गर्मी पैदा होने के कारण वो ज़्यादा गर्म ना हो और वो ठंडा रहे और उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहे, इसी के कारण उसके अंदर रेडिएटर लगाया जाता है। जी हाँ, रेडिएटर का काम यही है कि इंजन को ज़्यादा गर्म ना करे और उसे ठंडा रखे। तो वही टेक्नोलॉजी को देखते हुए और मद्देनज़र रखते हुए सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर ने स्मार्टफोन में लिक्विड कूलिंग लाया है। जी हाँ, स्मार्टफोन में लिक्विड कूलिंग ये कुछ नई बात नहीं है, इससे पहले भी इसे यूज़ किया गया है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि Xiaomi ने पोको F1 लॉन्च किया है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लिक्विड कूलिंग ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि अभी रिसेंटली बहुत बड़े बड़े CPU लॉन्च हुए हैं, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, ऐसी कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े CPU लॉन्च किए हैं। जी हाँ, आपको ले आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बैटरी लाइफ कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहे और आपको गेमिंग खेलते वक्त कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसके लिए ये CPU बहुत पावरफुल और इफ़िशियंट हो गए हैं। पर दोस्तों, आप कंटिन्यूसली गेमिंग करते हो और खेलते हो तो तभी आपका स्मार्टफोन अचानक से ज़्यादा हीट होने लगता है, जो कि आपके स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्मार्टफोन हीट होना मतलब उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव नहीं, डाउन होगी, और वो डाउन परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली होने के कारण आपका स्मार्टफोन गिव अप कर देता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आप चाहते भी नहीं होंगे कि आपका स्मार्टफोन गिव अप कर दे। तो उसी के लिए लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में ऐड की गई है। लिक्विड कूलिंग स्मार्टफोन दोस्तों है क्या? जी हाँ दोस्तों, लिक्विड कूलिंग स्मार्टफोन में 1 mm की कॉपर ट्यूब लगाई जाती है, जिसके अंदर एक कौन सा भी लिक्विड हो सकता है। अभी रिसेंटली तो वाटर ही यूज़ हो रहा होने वाला है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन, वाटर और विभिन्न प्रकार के लिक्विड हो सकते हैं, जिससे वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इवेपोरेट कर लेता है। जी हाँ, वो जो 1 mm की स्ट्रिप है कॉपर की, उसके अंदर से लिक्विड को भेजा जाता है CPU की तरफ, और CPU की तरफ भेजने के बाद वहाँ पे जो गर्मी होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेशन होने के बाद वो फिर से ठंडे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको फिर से रीयूज़ करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यूसली वर्क होती रहती है और आपका जो CPU का आपका परफॉर्मेंस जो होता है स्मार्टफोन का ओवरऑल, उससे इम्प्रूव होता है, और वो इम्प्रूव होने के कारण आपको गेमिंग के वक्त, 4K वीडियोस के वक्त या अन्य विभिन्न चीज़ों के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम जाता नहीं है, और आपका स्मार्टफोन पावर इफिशियंटली और अच्छे तरीके से वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कंप्यूटर में देखा ही होगा, आप CPU देख सकते हो, उसके अंदर एक रिजर्वायर लगा होता है, वो रिजर्वायर के अंदर लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जो रिजर्वायर होता है उसको ट्यूब लगी होती है, जिसके अंदर से वो लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, और विभिन्न प्रकार की बहुत सारी ट्यूब लगी होती है, उसके अंदर से वो लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो होता है, वो प्रोसेसर की तरफ जाता है, प्रोसेसर की तरफ जाने के बाद वो वहाँ आके हीट लेता है, हीट लेने के बाद वो फिर से वापस आता है और वो लिक्विड ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है और बाद में फिर से उसको रीयूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होती रहती है, आपने देखा होगा। पर आपके मन में एक सवाल आया होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और पानी अगर एक हम उसको मिक्स कर दें तो उसके कंपोनेंट्स जल सकते हैं या आपको हानि हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। पर दोस्तों, एक ऐसी कुछ चीज़ है टेक्नोलॉजी में प्रॉपरली, इफिशियंटली और स्मार्टली उसको बनाया जाता है, और उसका उद्देश्य यही है कि आपके स्मार्टफोन को ज़्यादा गर्म ना करे, आपके स्मार्टफोन को कंटिन्यूसली ठंडा रखे, आपको परफॉर्मेंस दे, आपकी बैटरी लाइफ इम्प्रूव करे और
आपको ओवरऑल आपकी स्मार्टफोन की लाइफ इम्प्रूव करें, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो दोस्तों। अब आपको दोस्तों ये समझ में आ ही गया होगा कि लिक्विड कूलिंग आखिर है क्या। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो इससे ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, आपको आप मुझे ढेर सारा प्यार बांटेंगे मेरी बहुत इच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, इसके लिए आप वेट कीजिए।